সোমবার সকালে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের কুলটি থানার চৌরঙ্গি ফাঁড়ির দামাগড়িয়া রেলব্রিজ সংলগ্ন 2 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ট্রাকটিতে ব্লিচিং পাউডার বোঝাই ছিল। আগুনে ট্রাকটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অল্পের জন্য ট্রাকের চালক রক্ষা পায়। ট্রাকটি রাজপুরা থেকে ব্লিচিং পাউডার বোঝাই করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। रात 1 बजे आके यहाँ खड़ा किया मैंने। जब रोटी रोटी खाते हैं होटल पे तो होटल वाला बंद था। होटल हम सो गए गाड़ी में। उसी टाइम तुरंत मालूम ही नहीं चला कैसे अगला पकड़ लिया इसको। कहाँ से आ रहे थे गाड़ी? गाड़ी राजपुरा से लोड करके लेके आ रहे थे, कलकत्ता जा रहे थे। गाड़ी में कौन सामान है? गाड़ी में कौन सी लोड थी? इसमें ब्लीचिंग पाउडर था। चला नहीं कुछ मालूम नहीं चला। फिर हमको उसी टाइम मालूम चला जब पकड़ लिया पूरा। हम बीच में सोए हुए थे गाड़ी के अंदर में डायमंड में। हाँ नहीं कुछ नहीं हुआ, आग ही लगा। अब कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो अभी ईश्वर से बताएगा, एक बार बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ। अभी हम तो क्या बता सकते हैं अभी कितना नुकसान है। गाड़ी का तो पूरा नुकसान है, पूरी गाड़ी तो पूरा डैमेज हो गया, पूरा जल गया, टायर भी जल गए, पूरा गाड़ी खत्म हो गया। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আমরা সোয়ে থে তো 2 নম্বর রুমে সোয়ে থে। আমরা উঠে জব প্লাস্টিং কা আওয়াজ ফুকস কে হুয়া তো আমরা হামারা মেন মালিক হে ও জাগে। ও জাগনে কে বাদ জব ও উঠে ভাগ কে আয়ে তো উসকো দরওয়াজা মে টক্কর হুয়া তো সর ফট গয়ে ইয়াহ সে ইয়াহ ও ভি উস পর আ গয়ে। ফির হামকো উঠায়া, আপ লাস্ট আপ লোগ কো উঠায়া, সবকো ভাগায়া। फिर आया तो इनको उठाया, दरवाज़ा पिट पिट के इनको उठाया। फिर ये उठाया, फिर इधर भाग के गया। फिर उसके बाद सामान वामान निकाला, फिर काट के बाहर किया। फिर करने के बाद फिर फायर ब्रिगेड का फ़ोन किया गया पेट्रोल पंप वाले। फिर पेट्रोल पंप वाले फ़ोन करने के बाद 45 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड वाला आया। तो फिर उसके बाद आग बुझाया। फिर वो लीक हो के से पता नहीं क्या क्या लिया। लेने के बाद फिर वो चला गया। आसनसोल से सौमित्र गांगुली, रिपोर्ट आनंद वार्ता।